डिजाइनिंग तो काफी बढ़िया होगी इसकी, मिर्च वगैरह मसाला वगैरह डाल के आज तो मजा तभी आएगा जब नेताजी होंगे साथ में। अलाउड नहीं है बट घुसा दिए, देखी जाएगी जो होगा। चिल करने के लिए हम किसी कैफे वगैरह में जा सकते, पता है कि बेवकूफों वाले काम है। 28-29 साल हो गए चाय बेचते हुए। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और गाइस अभी हम फिलहाल हैं दिल्ली में और आज के व्लॉग में आपको लेके चलेंगे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। एंड गाइस कनॉट प्लेस जो जगह है ना, दिल्ली की काफ़ी खास जगह है, उसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। दिल्ली के एकदम मिड में पड़ती है जगह, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कनॉट प्लेस का फेमस फेमस खाना और वहाँ की मार्केट्स एंड वहाँ पे क्या क्या है घूमने के लिए, सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ मिलकर ही एंड अच्छे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते अपना आज का व्लॉग एंड चलते हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो लेट्स गो। कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं और कनॉट प्लेस में आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे ब्लॉक्स। एक्चुअली का सीन है कनॉट प्लेस का पूरा एरिया अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और बेसिकली यहाँ पे दो सर्कल हैं, एक आउटर सर्कल एक इनर सर्कल। हम इस वक्त हैं कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में और अपनी गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी है। पार्किंग आपको यहाँ पे हर ब्लॉक में देखने को मिलेगी और यहाँ पे का सीन है आपको देखने को मिलेंगे वाइट कलर में कॉरिडोर जो कि बहुत ही स्पेशियस है और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स के शोरूम्स शॉप सब देखने को मिलेगा। यार एक्चुअली क्या सीन है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि दिल्ली में उनको एक प्रीमियम जगह चाहिए शॉपिंग के लिए, तब उन्होंने कनॉट प्लेस को बनवाया था। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, दिल्ली के एकदम मिड में पड़ती है और इसे कहा जाता है दिल्ली का दिल। तो आप पहले यहाँ के वाइट कॉरिडोर्स का लुक देखिए, उसके बाद आपको लेके चलेंगे कनॉट प्लेस की और अच्छी अच्छी जगह पर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो जैसे शुरुआत ही हुई है, वीडियो में एंड तक बने रहना। पहले आप लुक देखिए कनॉट प्लेस का, तो हैव अ लुक। आपने जैसा कि देखा कनॉट प्लेस के ब्लॉग्स और वहाँ के वाइट कॉरिडोर की स्पेशियस स्पेशियस जगह। और यार कनॉट प्लेस के बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फेमस रिलीजियस प्लेसेस जैसा कि गुरुद्वारा बंगला साहिब, प्राचीन हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहिब के सामने ही आपको देखने को मिलेगी फेमस चर्च। तो गाइज ये कनॉट प्लेस की एक अपने आप में खासियत है। और अभी हम कैसे अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते पहुँच चुके हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के साथ ही देखने को मिलेंगे आपकी फेमस कचौड़ियाँ। गाइज यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है और मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ की कचौड़ी ज़रूर खाता हूँ। तो गाइज कचौड़ी खाते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं, तो आइए। गाइज ये है अपनी कचौड़ी और साथ हमने लिए यहाँ पे लस्सी। कचौड़ी देखते हैं कैसी है टेस्ट इसका। डिजाइनिंग तो काफ़ी बढ़िया हो गई इसकी, मिर्च वगैरह मसाला वगैरह डाल के टेस्ट देखते हैं कैसे। काफ़ी चटपटी लग रही है, जो मसाला डाला उससे काफ़ी चटपटा टेस्ट आ रहा है। साथ में मिलती है मिर्च, मिर्च जो है तीखी नहीं होती इसकी, तीखी नहीं है मिर्च, ये चटपटी लग रही है तुम, बढ़िया है। अगर आप कनॉट प्लेस आ रहे हो ना तो हनुमान मंदिर के पास कचौड़ी ज़रूर ट्राई करना, बहुत फेमस है यहाँ पे। हमने ली है कचौड़ियाँ श्रीराम कचौड़ी शॉप से, साथ में लस्सी भी ली है। कचौड़ी और लस्सी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ये खाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो
तो गाइस वो कचौड़ी खाई यार बहुत टेस्टी थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसे कि आपने देखा था कि कनॉट प्लेस में काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स हैं और शॉप्स हैं काफ़ी अच्छे खासे ब्रांड्स के, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लोकल मार्केट्स भी। और हम ऐसी एक लोकल मार्केट में पहुँच चुके जो कि बहुत ही फेमस है कनॉट प्लेस में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सेटअप है, क्राउड बहुत ज़्यादा है यार आज, क्योंकि एक तो हम संडे के दिन आए हैं, संडे को बहुत क्राउड रहता है यहाँ पे। आपको यहाँ की लोकल मार्केट दिखाते हैं कैसा सेटअप है यहाँ पे और कैसी है ये। आपने अभी देखी जनपद मार्केट जो कि कनॉट प्लेस में काफी फेमस है, और वहां पे आपको देखने को मिलेंगे वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मिल जाएंगे अच्छे खासे ऑप्शन। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप वहां जाओ यार बारगेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रेट बहुत बहुत हाई बताएंगे। तो अगर आपकी बारगेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपको अच्छे रेट में अच्छा सामान मिल जाएगा वहाँ पे। बाकी क्राउड बहुत था, बहुत क्राउड था आज, एक तो संडे भी है, बट सीरियसली क्राउड इतना था मतलब लगा ही नहीं यार कोरोना वगैरह है कुछ या नहीं सीरियसली। और अभी अपना क्या सीन है, हम वापस हनुमान मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चाय वाले हैं बहुत फेमस हैं वो, उनकी चाय काफ़ी फेमस है, हम भी सोचा हम भी टेस्ट कर लेते हैं। नहीं हम बड़े, एक तो पता है दुकान ढूंढ बड़ी मुश्किल से मिली, और फिर मिली तो मैंने कहा नेताजी नहीं देंगे, मैंने कहा भाई चाय तो मज़ा तभी आएगा जब नेताजी होंगे साथ में, आपके हाथ में चाय देंगे आज। यार 28-29 साल हो गए चाय बेचते हो मुझे, मेरे बाद ही सारे चाय वाले हैं। अच्छा आप ये भी बनाते हो? हाँ। ये जो नाम नेताजी है किसके पीछे पीछे है? ये नाम नेताजी नहीं, ये मेरा होलोग्राम है, टोपी पहनने से लोग मुझे नेताजी कहते हो, कारोबार तो रहता ही है। लेकिन आपकी चाय चल रही है 28 साल से, हम कुल्लड़ वाली पिलाता हूं। हां पता करेंगे, पता तो चाय कैसे। आपने सवाल क्या किया था कि नेताजी आप के हाथ से चाय पियेंगे, तो मैं सारा चीज़ अपने हाथों से देंगे आपको। ठीक है, हारा ही नहीं है, लगा रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है, गाइस नेताजी पे चाय भी बहुत टेस्टी थी, वो क्या था थोड़ी कड़क चाय थी, उसमें अदरक का टेस्ट काफ़ी था, लेकिन बड़ी एक्सपीरियंस रहा, बात वगैरह उनसे बढ़िया रहा। और अब हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते पहुंच चुके हैं, एक नया एक्सपीरियंस करेंगे, ये है यूलू बाइक्स, आपको भी दिखाते हैं, दिल्ली में काफ़ी फेमस है, कभी ट्राई नहीं किया बट आज करेंगे, क्या सीन है इसका देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये है यूलो बाइक, और भाई तो बैठ गया बाइक के ऊपर और हम भी तैयारी कर रहे हैं। इनको अनलॉक करना पड़ता है, इनका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यूलो ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ये अनलॉक करनी पड़ेगी, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगी और इसको हम लेके निकलेंगे अपनी सवारी पर। अरे ऑन व्हील्स में तो अपनी हो चुकी है रेडी, और इसको हमने कर लिया अनलॉक, पैसे वैसे डाल लिए हैं, चलाते हैं, राइड करते हैं, फिर आपको पैसे के बताएंगे। पहले राइड देखिए आप कहाँ चलेगी। ओ भाई गाइस कनॉट प्लेस के ब्लॉक्स के अंदर कॉरिडोर्स में घुसा दी हमने यूलो, और यार वैसे अलाउड नहीं है बट घुसा दिए, देखी जाएगी जो होगा, मज़ा आ रहा है, फन है, बढ़िया है। शाम हो चुकी है और इसको खड़ा करेंगे, और इसके चार्जिंग का सीन है, आपको 224 रुपये इसके एप्लीकेशन में डालने पड़ते हैं, बाकी जितने देर आप चलाओगे उसके पैसे कटते हैं, एक मिनट के 2 रुपये हैं, और जो चार्ज होता है आपको कट जाता है, बाकी रिफंड आ जाता है। ये आपको कनॉट प्लेस में मिलेगी शिवाजी स्टेडियम पर, बाकी दिल्ली में और बहुत सारी जगह कनॉट प्लेस में शिवाजी स्टेडियम पर, अलग फन है यार, बढ़िया है, एक इनर साइड होता है ना बाहर आ जाता है, बढ़िया लगता है।
बैटरी की है ये, सही है बैटरी देखनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से मिली है बैटरी, सब में ख़त्म थी, एक मिली है, संडे था इसलिए इस वजह से भी क्योंकि क्राउड काफ़ी था। तो वापस से खड़ा करते हैं, वापस चला के लेके जाएंगे और उसके बाद कोई बढ़िया जगह बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, खाएंगे पियेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। सो गाइस जस्ट पीछे शिवाजी स्टेडियम पे यूलू कर दिया खड़ी और पैसे अपने लगे हैं 82 रुपीज़, बढ़िया मस्त चला यार। और कनॉट प्लेस के ये ब्लॉक है ना उसके साथ, उसके अंदर घुसा दी, अलाउड नहीं है घुसा दी, पता है कि बेवकूफ़ों वाले काम है लेकिन अब है तो है, क्या करें, मज़ा आता है ऐसे काम करने में। कभी कभी अंदर कहीं ना चल बाहर आता ना, अच्छा लगता है, बढ़िया मज़ा आया, फर्स्ट क्लास और एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। और अब जैसा कि बताया था कि बैठेंगे थोड़ा चिल करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। रात हो चुकी है, रात का व्यू कनॉट प्लेस का वो भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं इंडियन कॉफी हाउस में जो कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर है। यार देखो चिल करने के लिए हम किसी कैफ़े वगैरह में जा सकते थे क्योंकि कनॉट प्लेस में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन अपना आज का मोटो सिर्फ इतना था कि जो कनॉट प्लेस का लोकल ट्रेडिशन है और जो स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ थिंग्स है उनको एक्सप्लोर करना था एंड आप सबके साथ शेयर करना था। तो इसी के लिए हम आए इंडियन कॉफ़ी हाउस जो कि बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और ये बहुत अलग अलग जगह पर भी, चंडीगढ़ में भी था, चंडीगढ़ भी हम गए थे, वो भी काफ़ी अच्छा बना था। अगर आपने वो लोग नहीं देखा चंडीगढ़ का तो वो भी देखना, काफ़ी बढ़िया था वो भी। और यहाँ पे आए, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे यहाँ की फेमस कॉफ़ी और ऑर्डर कर दिया है, आने वाला है आपको भी दिखाएंगे कॉफ़ी और यहाँ का फेमस है मसाला डोसा। तो गाइस अपना ऑर्डर आ चुका है, यहाँ का फेमस मसाला डोसा, कोल्ड कॉफ़ी, सांभर, साथ में दाल की चटनी, या टेस्ट करते हैं कैसा है एंड आपको बताते हैं। और यहाँ के एम्बियंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आने के बाद एकदम ऐसी वाइब्स आ रही है जो अपने इंडिया का पुराना रेस्टोरेंट से कल्चर होता था ना, एकदम वही फील आ रही है क्योंकि यहाँ के वेटर्स की ड्रेसेस भी वैसी हैं और लुक डिज़ाइन भी वैसा ही है। पुराना ट्रेडिशन, पुराना कल्चर इंडियन रेस्टोरेंट्स, पुराना ट्रेडिशन, पुराना कल्चर इंडियन रेस्टोरेंट्स का, वही सीन है। टेस्ट देखते हैं कैसा है, काफ़ी क्रिस्पी है और सांभर बहुत टेस्टी है, जो डोसा होता है ना उसका टेस्ट सांभर से ही आता है। चटनी देखते हैं कैसे, तो गुड यार सीरियस। तो गाइस ये खाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ का नाइट व्यू दिखाते हैं कैसा है और फिर बाहर आपको टेरेस वो दिखाएंगे, ये खाते हैं फिर बात करते हैं। तो गाइज हम अभी हैं इंडियन कॉफी हाउस के साथ में वहाँ की टेरेस पर और यहाँ से जो पीछे का व्यू आ रहा है बहुत प्यारा लग रहा है और कनॉट प्लेस का नाइट व्यू तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की टेरेस भी काफ़ी खुली है। तो गाइज ये जो प्लेस है इंडियन कॉफी हाउस बढ़िया है और नाइट व्यू भी देखने को मिल रहा है साथ में। तो यार आज का व्लॉग अपना रैंडम सा था, प्लान नहीं था, एकदम से प्लान बना कनॉट प्लेस घूमने का, वीकेंड था, हमने सोचा घूमते हैं आपको भी दिखाते हैं। तो आप लोग बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, जो जो हमने जगह एक्सप्लोर करी कनॉट प्लेस में, गाइस बताना वीडियो कैसी लगी। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को एंड मेक श्योर कि बेल आइकन भी कर देना प्रेस, काफ़ी अच्छी खासी ट्रैवल सीरीज आने वाली है चैनल के ऊपर, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लानिंग चल रही है। अब कैसे हम निकलते हैं घर, आप सबसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।